हेलो का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जोधपुर का एक लाल जिन्हें माइकल जैक्सन के नाम से जाने जाने लगा है। जी हाँ, मात्र 17 साल का लड़का जिनका नाम है युवराज, और युवराज रातों रात स्टार बन गया। यानी कहा जाता है ना कि खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती, वही यहाँ पर देखने को मिला। समय कब पलटी मार जाए किसी को कुछ नहीं मालूम, यही हुआ युवराज के साथ, जो कि राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है, जो कि रातों रात स्टार बन गया। आखिर क्या हुआ था उनके साथ में, उनके परिवार में कौन है, उनकी क्या स्थिति थी, आइए पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि राजस्थान में ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी नीचे दबे हुए हैं, जिनके ऊपर नहीं आ पाते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया ऊपर लाती है। और बड़े महान एक अमिताभ बच्चन, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया उनके वीडियो को देखकर, जिन्हें डांस के मुराद हो चुके हैं पूरा बॉलीवुड। तो आखिर कौन है युवराज, आइए देखते हैं। किसी बगैर कोचिंग के खुद पे दम पर उन्होंने डांस सीखा है, और अब माइकल जैक्सन के अंदाज में ये लड़का डांस करता है। और टिकटॉक पे उन्होंने कई 10 लाख के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं, और सोशल मीडिया पर उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, और आज पूरा बॉलीवुड का दीवाना है। तो आइए जानते हैं युवराज आखिर कहाँ के रहने वाले हैं। टिकटॉक पर बने डांस के एक वीडियो ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का दिल जीत लिया। एक युवा बेहतरीन डांस के मुरीद हुए अमिताभ ने रीट्वीट किया, और जोधपुर के 17 साल के रहने वाले युवराज को रातों रात सुर्खियों में ले आए। वे सोशल मीडिया पर छा गए हैं। अब परिचित कोरियोग्राफर रेमो डिचूजा ने आश्वासन दिया कि भैया अगली फिल्म में उन्हें जरूर लेंगे। सिर्फ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले युवराज के पिता बहुत गरीब है, वो यहाँ पर लोगों के घरों में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। दो बहनों समेत 3 बच्चों के इस परिवार में काफ़ी गुजारा खाना पीना मुश्किल से चलता है। पावटा क्षेत्र में रहने वाले युवराज की ख्वाहिश थी एक बॉक्सर बनने की, लेकिन परिवार के हालात देखकर उन्होंने इरादा बदल दिया, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं था। माइकल जैक्सन, टाइगर श्रॉफ और प्रभु देवा की डांसिंग उन्होंने सीखी, और युवराज ने उनकी तर्ज पर डांस सीखना शुरू किया था। डांस में उसकी बहन ने काफ़ी योगदान दिया था। स्टार्टिंग में युवराज क्या करते थे, अपने छत पे जाकर और घंटों घंटों अभ्यास करते थे, और छत पे ऐसे वीडियो बनाते थे। लेकिन जब क्रेज बढ़ता गया सोशल मीडिया का, तो उनके दोस्तों ने उन्होंने कहा कि तू वीडियो टिकटॉक पर डाल। उसके बाद उन्होंने वीडियो टिकटॉक में डालना शुरू किया, और देखते देखते वो लाखों करोड़ों लोगों के फैन बन गए। इसके बाद में अर्चिता उनकी बहन है, वो भी डांस सीख गई, और बगैर किसी गुरु के मैच 6 साल तक अभ्यास के बाद में युवराज ने माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस करने में महारत हासिल कर दी। और टाइगर और प्रभु देवा को टैग करके वीडियो भेजे गए, तो यहाँ पर सब मुरीद हो गए उनके। कुछ वीडियो वायरल हुए, अमिताभ बच्चन की नज़र उनके ऊपर चली गई, और उनके डांस की काफ़ी तारीफ की गई। और इसके बाद में काफ़ी लोगों ने युवराज से संपर्क किया, और उन्हें मुंबई आने का नियुक्ता भी दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि युवराज अभी जोधपुर में नहीं है, और किसी काम से दिल्ली में है। लेकिन उनके काम को देखकर उनकी माँ और उनकी बहन बेहद खुश है। उनका सपना है कि एक दिन युवराज अपने डांस के दम पर मुकाम हासिल करे। और युवराज का कहना है कि अमिताभ बच्चन से मिली तारीफ के बारे में उन्हें सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी तारीफ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इतने छोटे से एक लड़का इतना ऊपर तक जा सकता है, और एक रातों रात उनकी किस्मत बदल सकती है। इसके लिए दोस्तों मेहनत करना जरूरी है। आप अड़क रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आपको एक दिन सफलता मिलती है। तो आज का वीडियो हमारा यही था। एक छोटा सा बच्चा इन्हें 17 साल का मात्र रातों रात स्टार बन गया, और उनके भी किस्मत खुल गई है। यानी कहा जाता है कि मैं राजस्थान में ऐसे लड़कों की कमी नहीं है, बस उन्हें ऊपर लाना है। तो हमारे राजस्थान को, हमारे चैनल की तरफ से यहाँ पर युवराज को एकदम सलाम करते हैं हम, क्योंकि ऐसे ही हम आगे बढ़े ही कामना करते हैं, और राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आए। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो की तरफ, तब तक जय जय राजस्थान।